हाय गाइस, पेट लवर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपके जो पैरट्स हैं वो भी एकदम अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। मॉर्निंग टाइम है और अभी मैंने अपने कॉकटेल को, जैसा कि आप देख रहे हैं, सॉफ्ट फूड दिया है खाने के लिए और वो आराम से खा रहा है। और अगर मैं इनकी बात करूँ तो इन सब को भी मैंने दाना पानी दे दिया है, ये सब आराम से खा रहे हैं, मस्ती के साथ हैं। जैसा कि आपको पता है, कॉकटेल की जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस थी वो कल चेक करना था, लेकिन कल इतना ज़्यादा यार लेट कर दिया था, उस पैरेट ने मूड ख़राब हो गया था, तो मैंने जो है ना चेक नहीं किया, कुछ नहीं खोला, देखा नहीं। आज हम जो है ना चेक करने वाले हैं, देखने वाले हैं और आपको भी दिखाने वाले हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे गाइस, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो आपके साथ में शेयर करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर करो, क्योंकि आपको पता है ये जो मेरे कॉकटेल की है, ये इस फीमेल की तो पहली ब्रीड है, और वो जो मेल था उसके साथ में एक फीमेल लगी हुई थी, उसकी काफ़ी ब्रीड हुई थी लेकिन कोई सक्सेसफुल नहीं रही थी, सिर्फ एक के अलावा एक पट्ठा निकला था, मगर उसके बाद क्या हुआ कि जो भी वो ब्रीड कर रहे थे सब खराब हो रहा था, सब खराब हो रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। जैसे ही जो है ना उनका पेयर लगता, मतलब मीटिंग होती, अंडे देते, अंडे में बैठते, वो लगातार बैठते रहते थे, लेकिन होता क्या था कि बच्चे या तो निकलने के बाद मर जाते थे, या फिर जो है ना होता ये था कि उनको कुछ भी चीज़ें सही नहीं रहती थी, अंडे ही ख़राब हो जाते थे, बच्चे मर जाते थे, ये सारे केसेस होते थे। लेकिन अभी ये क्या है, ये फर्स्ट फीमेल की ब्रीड है और डाइट भी इसको हम आप देख रहे हैं, जैसा इसी तरह की डाइट इसको जो है ना प्रॉपर वे में यूज़ करा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई इश्यूज़ ना आए, उन सब का भी हमने ख्याल रखा हुआ है, क्योंकि कॉकटेल की ब्रीड में यार बहुत ध्यान देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को चेक करना पड़ता है। तो अभी चलते हैं, बॉक्स को खोलेंगे, देखेंगे कि भाई बॉक्स के अंदर क्या है और कैसा रिज़ल्ट आया है, किस तरह से जो है ना हमने चीज़ों को जो यहाँ पे, मैंने तो इनके लिए मटका लगा रखा था कि शायद हो सकता है मटके में ब्रीड करें, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बच्चा जिस भी चीज़ से निकला होता है ना वो उसी में ज़्यादा जाना पसंद करता है। जैसा कि अगर वो ब्रीड बॉक्स की है तो बॉक्स में जल्दी ब्रीड करेगा, या फिर वो मटके की ब्रीड है तो मटके में ज़्यादा अच्छी ब्रीड करेगा, इसी तरह से चीज़ें होती है ना। तो अभी क्या है कि अभी हम लोग इसको चेक करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि भाई क्या रिज़ल्ट होने वाला है अंदर का, एंड फीमेल ने जो कि एग्स दिए थे कितने एग्स हैं, क्या है, कुछ भी नहीं चेक किया था। लेकिन परसों जब मैं देख रहा था ना, हल्का सा फ्लैश चला करके मैंने देखा तो अंदर कुछ छिलके टूटे हुए पड़े थे। अब पता नहीं वो इनके छिलके थे या किसी और एग्स, और भी एग्स अंदर रखे हुए थे, मतलब उससे पहले के मैंने हटाया भी नहीं था, तो हो सकता है कि शायद वो उसके ही पड़े हों, ऐसा भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है। फिलहाल चलो चल करके चेक करते हैं, देखते हैं जैसा होगा आपको भी दिखाते हैं। मैं गेट को पहले खोल लेता हूँ क्योंकि थोड़ा दूर है, हाथ नहीं जा रहा है कैमरा होल्ड करके।
तो गाइस जैसा कि आपने देखा फर्स्ट वीडियो में हमने जो है ना देखा तो हमें चीज़ें यार इतनी अच्छी क्लियर नहीं हो पाई थी क्योंकि बर्ड्स जो है ना वो हट नहीं रहा था। लेकिन सेकंड में जैसा कि आपने देखा एक छोटा सा प्यारा सा बेबीज़ है जिसको बर्ड्स फीड करा रहा है और ये देख करके यार मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और दो एग है जो कि अभी ठीक है और बर्ड्स उसको अपने नीचे रखे हुए हैं। आई होप कि उसमें से भी बेबीज़ वगैरह बाहर आ जाए और जल्दी से सारी चीज़ें बेटर हो जाए, अच्छी हो जाए। तो गाइज बहुत छोटा सा प्यारा सा स्वीट सा बेबीज़ जैसा कि आपने देखा हमारे कॉकटेल का आ चुका है। और सेकंड वाली वीडियो जो मैं शूट कर रहा था उसमें आपने देखा ही कि कैसे मिस्टेक हुआ और क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था, मुझे लगा था शायद दिख जाएगा जो भी ऐसे होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये वाला चीज़ें देख करके यार अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए, इसी तरह को सपोर्ट करते रहो हमें और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस करो। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।